आपको बताता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइकिंग, सब आपको एडवांटेजेस बताते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह 7:30 हो गए, मुझे अभी भी कॉल आई हुई कि हमने हाइकिंग पे जाना है, 3 सोया था रात को, खैर अब जाना तो पड़ेगा, लेट्स गो। मागला पहाड़ियों के जड़ों में खड़े हुए हम, 8:16 हो गए। हुज़ैफ़ा साहब मेरे पे गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। चलें यार, क्या हो सकता है, अब आ गए हैं तो अब आगे भी चलते हैं। अच्छा अभी जो है ना, वो हमें याद आया कि हमने तो बेसिकली ट्रैक की वीडियो बनानी थी, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हुज़ैफ़ा साहब जो है वो गोप्रो लगा रहे हैं चेस्ट माउंट पे। हुज़ैफ़ा आप इसमें टाइम लैप्स करेंगे या वीडियो करेंगे? सोच रहे हैं वीडियो कर लूँ, टाइम लैप्स तो बाद में उसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर टाइम लैप्स बना लिया तो उसको वीडियो में नहीं बना सकता। मेक सेंस। ये इसका मुंह किधर हुआ हुआ? यार काफ़ी ज़्यादा बस हो चुकी है और अभी हम जो है वो एक जगह पे जाके स्टॉप लेने लगे। हम होपफुल कि आपको जो है वो मेरी उखड़ी उखड़ी सांसों की आवाज़ें आ रही होंगी, पीछे चिड़ियाँ मेरे पे हंस रही हैं, उनके चहचहाने की भी आवाज़ें आ रही होंगी। जनाब बिल्कुल बस हो चुकी है, 9:30 हो चुके हैं, गर्मी अपनी शिद्दत पे। हम लोगों ने आसान वाला ट्रेल लिया था, फायर ट्रेल के बजाय वो जो गोल गोल घूम के जाता है सीढ़ियों वाला। आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान इस वजह से है कि फायर ट्रेल के नस्बत जो है वो उतनी चढ़ाई नहीं है। मुश्किल इस वजह से है कि काफ़ी सारे सालों बाद आना हो रहा है और उस तरह से वॉक की रूटीन भी नहीं रही, वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा, अब ये तो होगा। हुज़ैफ़ा साहब जो है वो कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं, उनको कुछ बंदर नज़र आए हैं, वो उनके शॉर्ट्स लेने गए हैं। अब जाहिर सी बात है, बंदे को जो चीज़ जो है वो अपने जैसी फील होती है वो फ़ौरन उसकी तरफ फैसिनेट होता है। फिलहाल तो हम बस पानी जानी पीते हैं, वापस जाते हैं, नाश्ता माश्ता करते हैं, ये वाली वीडियो एडिट करते हैं। आई एम गोना चेंज माय लेंस नाउ, मैं इसके ऊपर 135mm 3.5 जो कि एक विंटेज लेंस है वो लगाता हूँ, वापसी पर उससे तस्वीरें खींचता हूँ। आप लोग वो तस्वीरें देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। You can spot a bandar looking right at me. I guess let's just go back. चल भाई वापस चलें। कोई पता नहीं फ्रेंडली फायर हो जाए। अच्छा जी 11 बज चुके हैं, ऊपर से किसी तरह वापस आ गए हम लोग। मैं आप लोगों को कुछ वो रीजंस बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से आपको हाइकिंग पे नहीं आना चाहिए। आपको बताता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइकिंग, सब आपको एडवांटेजेस बताते होंगे। देखें सबसे पहली बात यह है कि आपको नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद आ जाता है आपको गर्मी बहुत लगेगी। तीसरी बात यह है आप जिन लोगों के साथ हाइकिंग पे आएंगे ना वो आपका मजाक उड़ाएंगे, अबे चल थक क्यों गया चल। चौथी बात यह है कि आपको मच्छर बहुत ज़्यादा काटेंगे। पाँचवीं बात यह है कि आसपास बंदर घूम रहे होते हैं तो आपको डर लगता है कि वो आपके ऊपर हमला ना कर दें। छठा पॉइंट मेरे जहन में ये है कि पसीना आपको काफ़ी आ सकता है। फिर सातवीं बात ये है कि आपको काफ़ी सारी पानी की बोतलें लेके जानी पड़ेंगी, और अगर आप जिम्मेदार शहरी हैं तो यकीनन आप वापस भी उठा के लाएंगे। उसके बाद ये है कि जनाब जब तक आप वापस आएंगे तो आपको हलवा पूरी और ये छोले भटूरे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, इन चीज़ों की बिक्री हो चुकी होगी, आप घर जाके कोई ब्रेड के साथ जो है वो ऑमलेट वगैरह खा सकते हैं। आपको इस वजह से भी हाइकिंग नहीं करनी चाहिए कि आप व्लॉगिंग का सोच के अगर हाइकिंग करने जाते हैं तो सॉरी, आप व्लॉग नहीं कर सकते हाइकिंग के दौरान। सो दीज आर द फ्यू रीजंस व्हाई यू शुडंट गो फॉर हाइकिंग। लोग आपको कहते रहेंगे हाइकिंग करो, लेकिन भाई ना करो तो बेहतर है।